आज सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने और यादव बंधुओं ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम से दिया है, जिस पे मोरारी बापू ने जो व्यास गद्दी से श्री कृष्ण भगवान और उनके परिवार के बारे में और हमारे देवी देवताओं के बारे में जो अनर्गल भाषा का और अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, उसको लेकर सभी हिंदू समाज में काफ़ी रोष है, गुस्सा है। हम लोगों ने आज मांग की है कि अगर उनके खिलाफ़ FIR करके गिरफ्तारी नहीं की गई तो हिंदू समाज उनके खिलाफ निकट भविष्य में धरने में बैठेगा, और हिंदू समाज इस चोट से बहुत आहत है और वो अपना रोष और गुस्सा लॉकडाउन की वजह से प्रकट नहीं कर पा रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे और हिंदू धर्म पे कीचड़ उछालना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का आक्रोश गुस्सा बना रहेगा और इस आंदोलन को हम लॉकडाउन के बाद तेज़ गति देंगे।